देखिए ये मामला बहुत गंभीर हो चुका है। छोटी सी छोटी बात जो आपको याद हो सब हमें बता दो। ये राशिद की फैमिली और तुम्हारी फैमिली एक दूसरे के घर पर आना जाना तो होता ही होगा ना? ज्यादा तो नहीं साहब, थोड़ा बहुत कभी कभार आना जाना होता था। राशिद और सुधा इन दोनों के बीच में संबंध ठीक थे? ठीक थे साहब, ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन जब से राशिद की नौकरी गई है सुधा थोड़ा टेंशन में रहती थी। और 6 महीने पहले जब मैं सोनी के जन्मदिन पर उसके घर गया था अपने परिवार के साथ, तो शाम को जब हम सब खाना खा रहे थे तब ये लीजिए भाभीजान, गरम गरम रोटी भाईजान को दीजिए। सुधा अपने हाथों का तूने क्या हाल बना रखा है, सारा दिन काम करती रहती है। क्या करूं भाभीजान, घर में किसी को तो काम करना पड़ेगा ना, अगर मैं भी घर में बैठ गई तो खाएंगे क्या? क्या बक रही है, जो मुंह रहा वो बक रही है। अरे कम से कम मेहमानों का तो रियाज कर ले, आज तेरी बेटी की सालगिरह है, आज के दिन तो ताने मत मार। ताने नहीं मार रही हूँ, सच्चाई बता रही हूँ, और ये सब अपने घर के हैं, कोई बाहर के नहीं है। तुझसे तो बात करना बेकार है। अरे करे खाना तो। उस दिन पता चला कि उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। तो कहीं राशिद नहीं सुधा को? नहीं नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि थोड़ा बहुत सभी मियाँ बीवी के बीच झगड़ा तो होते रहता है, और राशिद ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि राशिद सुधा को बहुत चाहता था। अच्छा किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, कोई दुश्मनी? साहब लड़ाई झगड़े की बात करें तो राशिद की किसी के साथ आसानी से बनती नहीं थी, और जैसा कि मैं बता चुका हूँ इसके चलते वो ज़्यादा दिन कहीं काम पर टिक नहीं पाता था। और बात रही दुश्मनी की, तो उसने सबकी मर्जी के खिलाफ लव मैरिज की थी, जिससे सुधा के घर वाले बहुत नाराज थे। उन्होंने गाँव में कई बार राशिद के बाप को धमकाया भी था। अभी कुछ दिनों पहले ये सुधा का भाई उसे मिलने आया था, कुछ पता है इस बारे में? ये क्या कह रहे साहब, कीर्तन सुधा से मिलने आया था? साहब एक बार को सुधा के बाकी परिवार वालों ने उसे माफ कर दिया था, लेकिन कीर्तन ही था जिसके डर से दोनों भागकर यहाँ आ गए थे, और सुधा को डर था कि वो दोनों को मार देगा, दबंग टाइप आदमी है साहब वो। और 2 साल पहले जब राशिद का बाप गुजर गया था तो उसकी डर से गांव में उसके इंतकाल पर नहीं जा पाया था साहब, होना हो साहब ये उसी ने किया होगा। अच्छा जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन तुम कहाँ? साहब उस दिन कारखाना बंद था, मैं सारा दिन घर पर था। ठीक है फिलहाल तो तुम घर जाओ, अगर तुम्हें कुछ पता चले तो हमें इन्फॉर्म करना। ठीक है सर। सर सुधा के घर में खून के धब्बे मिले हैं, लगता है कत्ल वहीं पे हुआ है, फॉरेंसिक वाले अपने छानबीन कर रहे हैं वहाँ पे। कोई मर्डर वेपन, मोबाइल? नो सर। वो राशिद का सर मिला? सर उसके बारे में भी कुछ पता नहीं चला। वो सुधा के भाई की कुछ खबर मिली? यस सर, वो दिल्ली के होटल में छिपके बैठा था, अपनी टीम लेकर आ रही है उसे। जितेंद्र एक काम करो, ये असलम का बैकग्राउंड निकालो, जिस दिन हम उसके घर पर गए थे तो जो बातें उसने नहीं बताई थी वो आज आकर बताइए। ये असलम और राशिद इन दोनों के बीच के संबंध पता करो, और हाँ वो बच्चे और वो लाश इनके DNA रिपोर्ट्स मुझे जल्द से जल्द चाहिए, उसी से पता चलेगा कि वो लाश राशिद की है। यस सर। सर बाहर एक औरत आई है अपने हस्बैंड की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने। ठीक है बुलाओ सर। साहब ये मेरे शौहर है दिलशाद, 2 दिन से लापता है। क्या काम करते हैं आपके शौहर? साहब टेम्पो चलाते। आपके दोस्तों के यहाँ रिश्तेदारों के यहाँ पूछताछ की आपने? साहब सब जगह पता किया, किसी को कुछ नहीं पता, और इनका फोन भी बंद आ रहा है। किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई मारपीट? साहब बाहर का तो मुझे नहीं पता, पर हमारा आस पड़ोस में किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। खान मैडम ये दिलशाद की कॉल हिस्ट्री और लोकेशन की डिटेल्स निकलवा, और टेम्पो नाके पे जाके पूछताछ करो। देखिए आप घबराइए मत, आप घर पर चले जाइए, हम आपके शौहर को ढूंढ निकालेंगे। आ गए आप, दीजिए बैग, अब बैठिए मैं पानी लेकर आती हूँ। रीता। हाँ। सोनी कहाँ है? वो तो अपने कमरे में खेल रही है, क्यों क्या हुआ? रीता सोनी के माँ बाप। क्या हुआ कुछ पता चला उनके बारे में? पुलिस को उनकी लाश मिली है। लाश? Thank you.
सो दिलशाद के बारे में मैंने पूछताछ की। वैसे तो बड़ा ही सीधा साधा आदमी है, पर कुछ लोगों से उसका उधारी चल रहा है। माली हालत कुछ खास नहीं है उसकी, और इसी उधारी के चलते हुए किसी एक अनिल नाम के टेम्पो वाले से भी उसका झगड़ा हुआ है। अनिल ने धमकी भी दी थी और दिलशाद देखिए उसका 50,000 रुपये देने का नाम ही नहीं ले रहे। हो सकता है कि इस अनिल से डर कर या दिलशाद कहीं छुप कर बैठा हो, लेकिन अगर ऐसा है तो अपने बीबी को वो जरूर बताता। एक काम करो, ये दिलशाद के कॉल डिटेल्स और मोबाइल टावर्स के डिटेल्स निकालो। सर वो चौबेला, ये अनिल को बुलाओ। सर सुधा के भाई को लेकर आ गए हैं, ये इसका कॉल डिटेल्स और लोकेशन डिटेल्स है। सर मुझे यहाँ पे ऐसे क्यों लाया गया? सर दो दो मर्डर करने के बाद तू हमसे पूछ रहा है कि तुझे यहाँ ऐसे क्यों लाया गया है? मर्डर किसका? सुधा और राशिद का। सुधा और राशिद का मर्डर हो गया है? ए ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करा, मेरे सारे कॉल डिटेल और मोबाइल टावर के लोकेशन के डिटेल्स हैं हमारे पास, और पिछले 3-4 महीने में तेरा आगरा बहुत जाना आना हुआ। अरे सुधा से मिलने गया था ना, हाँ भाई का प्रेम उमड़ आया था या मौका देख रहा था उन दोनों को मारने का, जो तूने देखा और उन दोनों को मारा और बाद में फरार भी हो गया। अब सीधे सीधे बता, उन दोनों को तूने मारा है या किसी को सुपारी दी थी? मैंने किसी को नहीं मारा सर। किसी को नहीं मारा, फिर दिल्ली में छुपके क्यों बैठा था? तेरा मोबाइल भी स्विच ऑफ था। सर मेरी दवाई की एजेंसी है और अक्सर मैन्युफैक्चरर के साथ मेरी मीटिंग होती रहती है, उसी के सिलसिले में मैं गया था और मैं उसी के लिए अपना मोबाइल नंबर भी चेंज कर दिया था सर, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि सुधा मुझे फिर से फोन करे। फिर से? तू तो सुधा से नफरत करता था ना? हाँ सर नफरत करता था, वो तो हमारे लिए उसी दिन मर चुकी थी जिस दिन उसने राशिद के साथ शादी की। बहुत गुस्सा आया था मुझे, बहुत ढूंढने की कोशिश की हमने लेकिन दोनों नहीं मिले, और एक दिन सुधा का फोन आया। हेलो भैया। सुधा कैसे आप? तू है कहाँ, कहाँ से बोल रही है? भैया आप भी नाराज है हमसे। अरे पागल है क्या तू, अब किस बात का गुस्सा? तू ठीक तो है ना? तू ये बता तू है कहाँ, तुझे देखे हुए कितने साल हो गए? भैया मैं आगरा में हूँ। आगरा? हाँ भैया। उसने किसी और के मोबाइल से मुझे फोन किया था, उससे बात करने के बाद मेरे घाव और ताजा हो गए थे। मैंने सोचा इस बार राशिद और सुधा को दोनों को ठिकाने लगा दूं, और एक दिन मैं उसके घर चला गया। भैया आइए ना, आइए बैठिए। भैया कैसे हैं आप? भाभी कैसी है? और बच्चे वो तो बहुत बड़े हो गए होंगे ना? वो सब तो ठीक है, तू बता तू कैसी है? भैया मैं ठीक हूँ। ये तेरी बच्ची है? हाँ भैया। मामा को नमस्ते करो। बेटा इधर आओ। नाम क्या तुम्हारा? भैया ये सुन बोल नहीं सकती। ओ राशिद कहाँ है? भैया वो काम पे गए, शाम तक आ जाएंगे। और तू क्या काम करती है? मैं कुछ नहीं, मुझे भला क्या जरूरत है काम करने की। अरे मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं, अभी पानी लेकर आती हूँ, आप बैठिए। भैया पानी। सुधा, ओ सुधा चलना नहीं है क्या? हाँ चाची नहीं जाऊंगी, वो बताया था ना कल भैया आने वाले हैं। अच्छा वो बाजार चलने को बोल रही थी चाची। भैया आप सोने के साथ बैठिए, मैं अभी आती हूँ। चाची। हाँ चाची मैं कीर्तन, सुधा का भाई। ओ अच्छा बेटा, बहुत अच्छा किया जो उससे मिलने आ गए। चाची सुधा काम क्या करती है? सुधा घरों में झाड़ू बर्तनों खाना पकाती है। और ये राशिद? वो क्या करेगा, 6 महीने से तो खुद ही घर पे बैठा हुआ है।
कहाँ चले गए थे? ये पता करने तू कितनी खुश है? चाची ने बताया तू क्या काम करती है और तेरा वो आशिक राशिद वो भी क्या काम करता है। सोचा तो था कि तुझे मार दूंगा, लेकिन तेरी जिंदगी मौत से भी बदतर है और तू है भी इसी काबिल, क्योंकि तूने ये खुद ही जिंदगी चुनी है, भुगत तू फिर ये। तुझे क्या लगा मैंने तुझे माफ कर दिया है? कभी नहीं माफ करूंगा। तू मर चुकी है मेरे लिए और हमेशा मरे रहेगी। क्या मारता उसको मैं? उसकी जिंदगी मौत से बदतर थी और फिर उसकी बेटी को देखकर मैंने अपना फैसला ही बदल लिया। उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं मिला और ना ही उसने मुझे कॉल किया। मैं सच कह रहा हूं, मैं नहीं मारा किसी को। सर ये दिलशाद का कॉल डिटेल और लोकेशन डिटेल है। सर उसका मोबाइल परसों रात 10 बजे तक एक्टिव था, उसके बाद नॉट रीचेबल बता रहा है। सर अनिल को लेकर आए हूँ। चल बता दिलशाद कहाँ है, क्या किया उसका, मार डाला? ये क्या बात कर रहे हैं साहब, मुझे नहीं पता कि दिलशाद कहाँ है। अच्छा तूने ही तो धमकी दी थी ना उसको कि अगर तुझसे लिए हुए पैसे उसने नहीं लौटाए तो अच्छा नहीं होगा। साहब ये सच है कि मेरा उससे झगड़ा हुआ था, जब उसे पैसों की जरूरत थी तो मैंने ही उसे 50,000 रुपया दिया और जब मैं अपना पैसा मांगने गया तो वो बातें बनाना शुरू कर दिया साहब। लेकिन दिलशाद को पैसे की जरूरत क्यों थी? साहब वो ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी करता था, नौकरी छोड़ दिया, वो टेम्पो लेने के लिए मैंने ही उसे उधार पैसा दिया था। लेकिन दिलशाद ने नौकरी क्यों छोड़ी? साहब मुझे नहीं पता कि दिलशाद कहाँ है, सच बोल रहा हूँ साहब। झगड़े वाले दिन के बाद से मेरी ना कोई बात हुई है और ना मुलाकात हुई है मेरी। उस ट्रांसपोर्ट कंपनी का एड्रेस है तुम्हारे पास? जी सर। जितेंद्र ट्रांसपोर्ट कंपनी में पता करो। हाँ ठीक है रखते हैं, अभी बाद में बात करेंगे। सर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में पूछताछ से एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। क्या? सर 2 साल पहले जिस कंपनी में दिलशाद काम करता था उसी कंपनी में राशिद भी काम करता था, दोनों एक ही गाड़ी चलाते थे। क्या? सर मैनेजर ने बताया कि दोनों पार्सल की चोरी में पकड़े गए थे जिससे कंपनी ने उन्हें निकाल दिया था। बाद में दिलशाद ने टेम्पो खरीद लिया और राशिद ने सिक्योरिटी कंपनी ज्वाइन कर ली। जितेंद्र जिसे हम दो अलग अलग केस समझ रहे हैं वो एक ही केस से जुड़े हुए हैं। ये दिलशाद उसे पैसों की जरूरत थी और उसी लालच में आकर उसने दोनों खून किए होंगे, या ये भी हो सकता है कि किसी ने अपनी पुरानी दुश्मनी राशिद से निकाली हो। कॉल डिटेल से कुछ पता चला? सर राशिद और दिलशाद दोनों का कॉल रिकॉर्ड मैंने देखा है। सर दोनों में कभी बात नहीं हुई, खासकर मर्डर वाले दिन, पर दिलशाद ने 3 महीना पहले ही अपना नंबर चेंज किया था, शायद उससे पहले उनकी बात होती हो। DNA रिपोर्ट आई? 2-3 दिन में आ जाएगा सर। और ये असलम उसकी क्या खबर? हमने आसपास में पूछताछ की, वहाँ के लोग उसे अच्छी बता रहे हैं। असलम के कारखाने पर जाकर पूछताछ की वहाँ के वर्कर्स से? वहीं जा रहा हूँ सर, कल कारखाना बंद था। ठीक है जल्दी होकर आओ। और हाँ जाते वक्त खान मैडम को बोलना कि राशिद की वाइफ को लेके आए। यस सर। क्या आप किसी राशिद नाम के शख्स को जानती है? राशिद? हाँ ये वही राशिद है जो उसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था जहाँ आपके शौहर दिलशाद काम करता था। हाँ साहब याद आया, दोनों एक ही गाड़ी पर काम करते थे और राशिद तभी हमारे घर आया था, तभी उसे देखा था मैंने। कब की बात है ये? लगभग 2 साल पहले की।
जब दिलसाद ट्रांसपोर्ट में काम करते थे। अच्छा एक बात बताइए, अभी हाल फिलहाल में ये राशिद कभी आपके घर पे आया था या दिलसाद से उसकी मुलाकात हुई थी? दिलसाद ने कुछ बताया था इस बारे में? नहीं साहब, नौकरी छूटने के बाद इन्होंने कभी राशिद के बारे में कोई बात नहीं की, ना ही मैंने कभी सुना इन्हें राशिद के बारे में बात करते हुए। ठीक है, फिलहाल के लिए आप जा सकती हैं। साहब कुछ हुआ है क्या? ये मिल तो जाएंगे ना? देखिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके शौहर को ढूंढने की, जैसे उनके बारे में हमें कुछ पता चलता है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, सर असलम के कारखाने गया था, वहां पे पता चला कि असलम और राशिद के बीच में लड़ाई हुई है घर के किराए को लेकर। लेकिन ये बात असलम ने हमें बताई नहीं। चलो कुछ पता चला? असलम, हमें तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। कहिए साहब। ये राशिद के साथ तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ था? नहीं साहब, ऐसा कुछ तो अनबन तो नहीं हुई थी, लेकिन घर के किराए को लेकर थोड़ी कहा सुनी हो गई थी एक बार, बाद में सब ठीक हो गया था साहब। ऐसा कितना किराया बाकी था तुम्हारा? पिछले 3 महीने से किराया नहीं दिया था और उस समय मुझे पैसे की बहुत जरूरत थी तो मैंने उसे मांग लिया, पर राशिद के पास भी पैसे नहीं थे तो थोड़ी कहा सुनी हो गई थी साहब। ये बात तुमने हमसे छुपाई क्यों? साहब मैं डर गया था कि कहीं आप। देखो असलम, हमें अब भी तुम्हारे ऊपर शक है, हमसे कुछ भी मत छुपाना और जो भी कुछ सच है सब कुछ बता देना, वरना पुलिस स्टेशन में बुला के तुम्हारी ऐसी खातिरदारी करेंगे कि जिंदगी भर झूठ नहीं बोल पाओगे। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मेरा यकीन कीजिए। ठीक है, और हाँ अगर तुम्हारी जरूरत पड़ी तो तुम्हें पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। असलम ये रुखसार कहीं नहीं दिखाई दे रही है। साहब वो गांव गई है। उना? हाँ साहब। फिर से एक बात छुपाइए। सर रुकिए। सर अब आपसे छुपाने का कोई फायदा नहीं, आप खुद ही देख लीजिए। रुखसार, कहाँ है ये लड़की यार? ये क्या है? असलम भाईजान, ये खत लिखते हुए हमें अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर बताना जरूरी है। भाईजान हम एक लड़के से प्यार करते हैं और वो भी हमें चाहता है, पर आपको बताने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई, बस यही डर लगा रहता है कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करेंगे, इसलिए हमने शादी का फैसला कर लिया और हम उस लड़के के साथ जा रहे हैं। आपका हमें ढूंढना बेकार होगा क्योंकि अगर हम मिल भी गए हम अपने प्यार को नहीं छोड़ सकते, अब हम बालिग हैं, अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले सकते हैं, हो सके तो हमें माफ़ कर देंगे, अगर सब कुछ सही रहा तो हम ज़रूर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, आपकी बहन रुखसार। पता नहीं साहब उसने ऐसा क्यों किया, हमने तो 2 साल पहले उसकी दुबई में अपने रिश्तेदारी में शादी तय कर दी थी, इस साल वो दुबई से आने वाला था और दोनों की शादी हो जाती तब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था, फिर पता नहीं उसे क्या हुआ जो उसने अचानक एक कदम उठाया, एक बार बता देती तो हम उसकी शादी उस लड़के से ही कर देते, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी उसे?
चल। तो हाँ मिस्टर राशिद, कैसे हो? खातिरदारी तो ठीक हुई ना तुम्हारी? चलो अब बताओ क्यों किया ये सब, बताओ। बताता हूँ, मैं सुधा से बहुत प्यार करता था, अपनी जान से भी ज्यादा। वो तो दिख ही रहा है। वक्त के साथ साथ सुधा बदल रही थी और बात बात पे मुझे ताने मारती थी, कहती थी कि मैं कुछ नहीं करता, मुझे हाथ तक नहीं लगाने देती थी। मैं तंग आ गया तो उसके रवैये से, क्या करूं क्या ना करूं। और सोनी की सालगिरह वाले दिन रुखसार मेरी जिंदगी में आई। क्या राशिद भाई, प्यार में नोकझोंक तो होती रहती है, पर ऐसे नाराज नहीं हुआ करती। प्यार ऐसा लगता है कोई गलती करती मैंने। बीवी है तुम्हारी, वो उसका हक बनता है तुम। बीवी, हक, प्यार, अगर प्यार करती तो यूं बार बार मेरी बेइज्जती नहीं करती। हाँ ये सही कहा तुमने, अगर सच्चा प्यार करती तो ऐसा कभी नहीं करती। जवानी का प्यार है, अगर बचपन का प्यार होता तो ऐसा नहीं होता। तुम्हें याद है जब बचपन में गांव जाया करती थी तो हम दोनों साथ में कितना मजा करते थे, साथ में दिन भर खेलते रहते थे। और फिर हमारे घर वालों ने भी हमारी शादी के बारे में सोच लिया था। और जब मैं गांव से वापस जा रही थी तब कैसे तुम मुंह फुला के बैठे थे, और हमारे बीच किस भी हुआ था वो मेरी लाइफ का पहला और आखिरी किस था। कुछ याद है या जवानी के प्यार ने तुम्हें सब भुला दिया? रुखसार, मुझे सब कुछ याद है, मैं कुछ नहीं भूला। फिर उसके बाद से मैं और राशिद अक्सर मिला करते थे। फिर एक दिन सुधा ने अपने भाई को कॉल भी किया था और सुधा का भाई उससे मिलने भी आने वाला था। मुझे बहुत गुस्सा आया ये सुन के, और मैंने उसे कीर्तन से मिलने मना भी किया था पर वो नहीं सुनी। और फिर उस दिन उसका भाई घर आया और उससे मिलके चला गया। मेरा शक सही था, वो बिल्कुल नहीं बदला था। उसके बाद सुधा और परेशान रहने लगी, मैंने भी उससे बात करना बंद कर दिया था। और एक दिन जब मैं रुखसार के साथ था। इतना लेट हो रहा था तो क्यों आए? वैसे भी मैं जा ही रही। अरे डार्लिंग, काम के सिलसिले में गया था। माँ थोड़ी सी देर हो गई, इसमें इतना नाराज होने वाली बात क्या है? बस आधा घंटा तो लेट हुआ, माफ कर दो ना प्लीज प्लीज। क्या हो रहा है सुधा? तुम तो वहां, वो तुम, ये वहां, ये सब छोड़ो। मैंने पूछा क्या हो रहा है? देखो सुधा, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं और ये तो बस वो। क्या हुआ राशिद मियां, सच बोलने की हिम्मत नहीं है या फिर से प्यार जग गया इसके लिए? तुम सच सुनना चाहती हो ना तो सुनो, राशिद मुझसे प्यार करता है। और ये प्यार अब से नहीं है, बचपन से है। वो तुमसे छुटकारा पाना चाहता है। ये जो बोल रही है सच बोल रही है? मैंने पूछा ये जो बोल रही है सच बोल रही है? मैंने पूछा ये जो बोल रही है सच बोल रही है? अच्छा उसे सब पता चल गया, अब कोई टेंशन नहीं है, अब हम दोनों शादी कर लेते हैं। जाओ मरो जाके उसके पीछे, बीवी है ना तुम्हारी वो, आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना वरना बहुत बुरा होगा। जोरू का गुलाम। उस दिन मैं बहुत गुस्से में था, मैंने सुधा को मारने की ठान ली थी, और जब मैं घर वापस गया वो मुझे फिर से ताने मारने लगी, मुझसे झगड़ा करने लगी। क्या ले रहा है? निकल जा यहाँ से, तेरी कोई जरूरत नहीं है। जा, जा उस रुकदार के पास, तेरा बचपन का प्यार है ना। चिल्ला मत सुधा। अच्छा मैं चिल्लाऊं नहीं? हाँ चिल्लाऊंगी, मैं घर में बर्तन धो के तेरा छूटे बर्तन धो के तेरा पेट पाल रही, छह महीने से काली बैठी काम ढूंढने के बाहर ही जाता है, बाहर कुछ खड़े हो रहा था। बेटी को देखा है अपनी? हाँ गूंगी है, पैरी है, 10 साल की हो चुकी है। हाँ बहुत शौक है ना मेरी बेइज्जती करने का।
पता। और फिर मैंने सुधा की बॉडी के टुकड़े किए, कार्टून बॉक्स में भर दिए जो वो खुद लाई थी। कार्टून बॉक्स को ठिकाने लगाना था। मैं सोचा असलम भाई को कॉल करूं, लेकिन मुझे पता था वो मेरा साथ नहीं देंगे। फिर मुझे दिलशाद का ख्याल आया, मैंने उसे कॉल ना करके मैसेज किया। कहा एक पार्सल डिलीवर करना है, अच्छा दाम मिलेगा, और मैंने उसे मोहल्ले से दूर आने को कहा। उसके बाद मैंने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। दिलशाद को पैसे की बहुत ज़रूरत थी, वो बिना सोचे समझे चला आया। सबसे पहले मैंने किसी बहाने से उसका फ़ोन ले लिया और स्विच ऑफ कर दिया ताकि पुलिस ट्रैक ना कर सके, और जो बॉक्स थे उन्हें मैंने अलग अलग ठिकानों पर फेंक दिया। बैटरी खत्म हो गई। अरे दिलशाद भाई, आओ, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई, अपना फोन देंगे जरा। और उसके बाद जो आखिरी बॉक्स डंप करने के लिए रुका तो अरे दिलशाद भाई, तुम टेम्पो बैठो, मैं बस अभी आया। कोई बात नहीं राशिद भाई, मैं आपकी हेल्प कर देता। अरे दिलशाद भाई, राशिद भाई ये क्या है, ये खून कैसा है? दिलशाद मैंने मना किया था ना। मैं भी पुलिस को बताता हूँ। और उसके बाद मैंने दिलशाद का सर काट दिया और अपने कपड़े, अंगूठी और घड़ी उसे पहना दी, और उसके कपड़े खुद पहन लिए, और फिर मैं वहां से भाग गया। फिर मुझे सोनी की याद आई, मैं घर वापस गया, सोनी को अपने साथ लिया और ले जाके मंदिर वाले एक सुनसान रोड पर उसे छोड़ दिया।
सोनी बेटा आप बैठो, पापा 5 मिनट में गए और आए, यहाँ से कहीं जाना नहीं। और उसके बाद मैं दिल्ली चला गया। और दिलशाद का सर, उसका क्या किया? उसे मैंने नदी में फेंक दिया। प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था तुमने, लेकिन एक गलती कर गए जो ज्यादातर आशिक कर गए। वो कहते हैं ना कि इश्क में इंतजार का मजा ही कुछ और होता है, और वही तुम नहीं कर पाए। इंतजार, अपने नए प्यार के साथ घर बसाने के चक्कर में तुमने रुखसार को अपने पास बुला लिया, और रुखसार को ढूंढते ढूंढते हम तुम्हारे पास पहुंचे। रुखसार के अचानक गायब होने से हमें शक हुआ और हमने DNA रिपोर्ट्स मंगवाए, जिससे साफ पता चला कि वो लाश तुम्हारी नहीं है। रुखसार के कॉल डिटेल्स से हमें पता चला कि रुखसार और तुम्हारे बीच में घंटों बातें हुआ करती थी, जिससे ये पता चला कि तुम दोनों में अफेयर है। पर मेरा नंबर तो असलम भाईजान के नाम पर रजिस्टर है। हाँ, हमें भी पहले ऐसे लगा कि राशिद और असलम के बीच में घंटों बातें हुआ करती थी, लेकिन बाद में सब कुछ साफ हो गया। कैसी पढ़ी लिखी लड़की हो तुम, इतनी बात तुम्हारे समझ में नहीं कि जिस औरत ने इसके लिए अपने घर के विरुद्ध जाकर इसके साथ घर बसाना चाहा, वो उसका नहीं हो पाया, अपनी बेटी को प्यार नहीं दे पाया, वो तुम्हें क्या प्यार देगा? अब जेल में बाकी कैदियों के साथ अपने प्यार के अफसाने सुनाते रहे। नहीं प्लीज, माफ कर दीजिए। गलती हो गई। गलती नहीं है, गुनाह है, गुनाह। इसकी सजा तुम दोनों को मिलेगी।